हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। 42 स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू ऑप्शन ए वायरॉइड, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी बैक्टीरियम, ऑप्शन डी नेमेटोड। तो हम 42 स्पिंडल ट्यूबर डिजीज की बात करें तो ये किसके द्वारा होती है। पहले ऑप्शन पर चर्चा करते हैं वायरॉइड। तो एक वायरॉइड क्या होता है, एक वायरॉइड जो होता है वो नेकेड वायरस होता है। और नेकेड वायरस का मतलब इसके अंदर क्या नहीं होता है, इसके अंदर जो है प्रोटीन कोट या कैप्सिड नहीं होता है। इसका जो प्रोटीन कोट है वो क्या होता है, एबसेंट होता है। अगर प्रोटीन कोट एबसेंट है तो अंदर क्या रह जाता है, सिंपल आरएनए या डीएनए रह जाता है। और जनरली आरएनए वायरस जो होते हैं जिनमें आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है मेनली, तो आरएनए शेष बच जाता है। ये आरएनए जो है वो इन्फेक्शियस नेचर का होता है। ये आरएनए जो है डिजीज कॉज करने में कैपेबल होता है, ये इन्फेक्शियस होता है। और 42 स्पिंडल ट्यूबर के बारे में बात करें तो इस केस में वायरॉइड ये जो है वही ये डिजीज कॉज करता है। इसको नेकेड वायरस के साथ साथ बेटा वायरस भी कहा जाता है। और ये सिंपल आरएनए मॉलिक्यूल होता है, प्रोटीन कोट नहीं होता है इसमें। या यूं कहें कि एक वायरस जो है जब अपना प्रोटीन कोट या कैप्सिड जो है जब त्याग देता है, उसके बाद जो बच जाता है केवल न्यूक्लिक मैटर बचता है। और उस न्यूक्लिक मैटर में अगर इन्फेक्शियस नेचर है तो उसे वायरॉइड कहते हैं। ऑप्शन बी की बात करें तो वायरॉइड वायरस जो है उसमें जो है कैप्चर्ड भी होगा और न्यूक्लिक एसिड भी होगा। ये वाली जो कंडीशन है वायरस की कंडीशन है, लेकिन पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर के केस में केवल आरएनए ही डिजीज कोज करवाता है, इन्फेक्शियस आरएनए। ऑप्शन सी की बात करें बैक्टीरियम, तो बैक्टीरिया डिजीज जरूर कोज करवाता है बहुत सारी प्लांट्स में, जैसे रूट हो गया, सॉफ्ट रूट ऑफ फ्रूट्स हो गया। ये रूटिंग जो है ये बैक्टीरिया के द्वारा कोज करवाई जाती है। निमेटोड जो है, निमेटोड जो है जैसे रूट नोड डिजीज हो गई वेजिटेबल्स की, तो ये निमेटोड्स के द्वारा। इसके अलावा जो एमोनियम हो गया वो वीट में डिजीज कॉज करवाता है, ये निमेटोड होते हैं। इस केस में जो है हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए वायरॉइड, बेस्ट ऑप्शन।